एक तरफ भारत पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड करना भी पसंद नहीं करता। आप देखें जयशंकर ने या कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, सिर्फ एक ही जिक्र करते हैं दहशतगर्दी। ठीक है, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 क्यों क्यों दिल जलाते हैं 640 अरब डॉलर, डरे उस वक्त से क्योंकि अब कहते चले वो आप कह रहे हैं कि 1.25 अरब का मुल्क है, तो अगर उनके 640 अरब है तो हमारे उस अगर आपको 50 अरब डॉलर ही होते तो क्या बात थी। अगर आपको कल जो हालत हो गई इतनी यूक्रेन की में जो जंग हो रही है, आपको गंदम शायद यूक्रेन और रशिया से ना मिले तो फिर आपको शायद इंडिया से गंदम भी दरामद करनी पड़ जाए। एक बेकारी की तौर पर हमारी हालत हुई है सब। कि भारत ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी है कि क्या बात हो सकती है क्या बात नहीं हो सकती। भारत को इस चीज की बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान जो भी बोलता रहे पाकिस्तान को जवाब ही ना दो। भारत के 640 बिलियन डॉलर के रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार, जबकि पाकिस्तान 1 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ सहित कई देशों का चक्कर लगा दिया लेकिन कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं, और ऊपर से भारत का 8% जीडीपी के रफ्तार से जाती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज इतना फासला बढ़ गया है कि अब भारत पाकिस्तान को मुंह लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की प्रचर्चा, आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं या जो डायलॉग है उसके जो चांसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें कि वो ये चीज कहते हैं कि भारत के साथ बात नहीं हो सकती और इस वक्त जो और वो ये भी समझते हैं कि किसी भी मुल्क के साथ तरक्की करने का चलने के लिए या तरक्की करने के लिए आपको इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, अच्छे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए और मिलके आगे जाने की बात करना चाहिए, लेकिन कि भारत ने इसका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी है कि क्या बात हो सकती है क्या बात नहीं हो सकती। भारत को इस चीज की बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान जो भी बोलता रहे पाकिस्तान को जवाब ही ना। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 में कश्मीर का स्टेटस बदल दिया हुआ है, क्या वो मोदी साहब को कह सकते हैं कि इससे पीछे जाएं? बिल्कुल नहीं कह सकते। एक तरफ भारत पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड करना भी पसंद नहीं करता। आप देखें जयशंकर ने या कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है और दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान कि अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान को पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कभी उस मुल्क जा रहे हैं। आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 क्यों क्यों दिल जलाते हैं 640 अरब डॉलर, डरे उस वक्त से क्योंकि अब कहते चले वो आप कह रहे हैं कि 1.25 अरब का मुल्क है, तो अगर उनके 640 अरब है तो हमारे उस अगर आपको 50 अरब डॉलर ही होते तो क्या बात थी। अगर आपको कल जो हालत हो गई इतनी यूक्रेन की में जो जंग हो रही है, आपको गंदम शायद यूक्रेन और रशिया से ना मिले तो फिर आपको शायद इंडिया से गंदम भी दरामद करनी पड़ जाए। एक बेकारी की तौर पर हमारी हालत हुई हुई है इस वक्त और डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं। इसकी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के पास जो मौजूदा हालात हैं, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो जुलाई में हमारे पास इम्पोर्ट्स करने के लिए पैसे नहीं होंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 41 अशिया की दरामद के ऊपर पाबंदी लगाई, तो हो सकता है फिर आपको चंद एक अशिया के अलावा तमाम चीजों की दरामद के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ जाए अगर इकोनॉमिक जो सिचुएशन है ठीक नहीं होती। आजकल आपको पता है कि इमरान खान साहब तो खैर बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कल जिक्र किया, बहुत ज्यादा मिसाल देते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसको बकायदा तौर पर कोट एंड कोट हम उसे अपना शायद दुश्मन समझते हैं, अर्ली 90s में आपको पता है कि वहां पे भी इसी तरह से करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आया, क्राइसिस आया, शायद उनके पास 1 बिलियन डॉलर बचे थे। मनमोहन सिंह साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, वहां से उन्होंने डीरेगुलेशन शुरू की, स्ट्रक्चरल प्रोग्राम का आगाज किया और उसके बाद से वो कभी आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं गए और उसके बाद से जो उनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई उन्होंने इसके लिए कम्पीट किया कि कौन बेहतर इस्लाहात लाएगा, लेकिन उस जो बेसिक पॉलिसी है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। शायद पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म की भी एक रियलिटी की जरूरत और इसी किस्म की इस्लाहात की जरूरत है। हमारी लीडरशिप जो है वो दुनिया में जाके ये नहीं कह सकती कश्मीर का मसला हल कराओ, हमारी शॉर्टकमिंग्स है ना, इन शॉर्टकमिंग्स को हम एड्रेस नहीं करते और हम बताना नहीं चाहते। और हमारी लीडरशिप तो बड़ा पसंद करती है आजकल वैसे ही तारीफें करना
इंडिया की। अगर आप देखें वहां पे इमरान खान साहब कल कह रहे थे, देखो अमेरिका और भारत क्वाड में पार्टनर हैं लेकिन रूस से वो तेल ले रहे हैं और मैं रूस से तेल नहीं ले सकता और ये और वो, इस तरह की बड़ी बातें कर रहे थे। हालांकि इमरान खान साहब को इस बात का नहीं पता कि हम तो ईरान से भी तेल नहीं ले सकते लेकिन आप ईरान का नाम नहीं लेंगे। और इमरान खान साहब के वो दोस्त जो उनकी पार्टी का हिस्सा है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उनको कहा जाता था कि आप सर ईरान से तेल लेना, तो इमरान खान साहब कहते थे नहीं, अमेरिका को नाराज नहीं करना। पाकिस्तान जो है वो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात से सख्त परेशान है और इस ताल्लुकात के मजबूत होने की वजह से पाकिस्तान के जो कश्मीर का स्टेटस है, क्योंकि पाकिस्तान की कश्मीर कोई पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी एक ही थी और वो ये थी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करना। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर तो यकीन ही को नहीं, अपनी स्ट्रेंथ तो इतनी है कि सिर्फ अच्छा दिफा हो ताकि भारत जो है वो स्टेटस को बदल ना सके। So, मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो समझ चुका है कि अब हालात इस तरह के भारत ने पैदा कर दिए हैं कि बात नहीं हो सकती, क्योंकि भारत बात करनी ही नहीं चाहता। भारत ने बड़ा क्लियर स्टैंड ले लिया है कि जी पाकिस्तान से बात ही ना करो और जब भी पाकिस्तान के मुतलका बात करो आप FATF की बात करो, आप दहशतगर्दी की बात करो। और ये ऐसी तलवार उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लटका दी है कि एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बताता है कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने भारत के साथ मिलकर एक जॉइंट कम्युनिके या जो कोई प्रेस रिलीज या कोई जब टॉप लेवल पे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या जो 2+2 लेवल पे अमेरिका इंग्लैंड के अमेरिका और भारत के दरमियान जब बात हुई तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ। और पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ और सिर्फ ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और इन चीजों में, एक्सट्रीमिज्म और इन चीजों में होता है, और भारत इस हवाले से बहुत ज्यादा कामयाब है। ये हालात हैं तो ऐसी सूरत में आप मुझे बताएं, जब आपका इन्हिसार इतना ज्यादा कर्जों के ऊपर हो, तो ये जब हम आजाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात करते हैं ये तो फिर एक नारा ही लगता है ना, क्योंकि जेब में जब आपके पैसे है नहीं, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है कि पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला, तो हमारी वही मिसाल। वो खारजा पॉलिसी दूसरों का उधार का जहाज मांग कर नहीं चलाई जाती, और फिर दूसरा ये आजाद खारजा पॉलिसी बिल्कुल नहीं चलती जब कटोरा पकड़कर आप पहुंच जाते हैं चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चाहे वो PMLN हो या फिर PTI हो। दुनिया को इस बात पे कन्विंस कर गए कि हमने रशिया से डिफेंस के इक्विपमेंट भी लेना है, हमने ऑयल भी लेना है, हमने बहुत कुछ करना है, हम तो बहुत पीछे रह जाते हैं कि वो वेस्ट का प्रेशर लेंगे, कि इंडिया वेस्ट का प्रेशर लेगा कि आप पाकिस्तान से कश्मीर इशू पे बात करें। सो बात तो खत्म हो गई है। सो अभी तो सिर्फ एक चीज पे ही बात हो सकती है, एक ऐसा वक्त आ सकता है जिसमें पाकिस्तान जो है वो इस काबिल हो जाए कि इंडिया को बात करनी पड़ जाए, और वो वक्त अनकरीब आने वाला नहीं है। अब हमें पता चल गया हमारी डिपेंडेंस खत्म हो गई है, हम दुनिया में किसी खाते में नहीं खड़े हुए और इतनी कैपेबिलिटी है नहीं है कि हम दुनिया के साथ इंगेज करें। जब इंडिया कहे कि पाकिस्तान को असला ना दो तो कोई हमें असला नहीं देता। सो इंडिया मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूं, मैं बहुत सारे ऐसे सफारतकारों को मिला हूं इंटरनेशनली भी, बाहर जब कभी चक्कर लगता है तो वो सीधा सीधा एक बात करते हैं, वो कहते हैं हम भारत को नाराज नहीं कर सकते, हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।